मॉर्निंग, मैं प्रशांत एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो किसी विषय पर ना होकर एक फ्री अवेयरनेस कैंपेन पर है, जो कि हरियाणा फिशरीज डिपार्टमेंट और NFDB का एक सामूहिक प्रयास है, जो कि फार्मर और यूथ की आमदनी बढ़ाने का एक प्रयास है। इसमें 3 दिन की फ्री ट्रेनिंग बैकयार्ड रेस मॉडल पर आयोजित की जा रही है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। अपनी सीट बुक कराने के लिए अपना नाम, पता व फ़ोन नंबर कमेंट में दें। यह निशुल्क ट्रेनिंग है। इसमें रहना व खाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह ट्रेनिंग पद्म श्री विभूषित सुल्तान सिंह जी के नीलोखेड़ी फार्म हरियाणा में आयोजित की जा रही है। आप इसका लाभ उठाएं। आगे के वीडियो में हम इस मॉडल पर को विस्तार से चर्चा करेंगे। यह 3 दिन की ट्रेनिंग 18, 19, 20 नवंबर को नीलोखेड़ी फार्म हरियाणा में आयोजित की जाएगी। और भी कुछ आप डिटेल इसका लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में दें, हम आपको और भी जानकारी देंगे। इस मॉडल में NFDB, जो आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, एक स्मॉल लेवल रेस मॉडल को इस्टेब्लिश किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है बैकयार्ड रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसका यूनिट कॉस्ट है ₹7 लाख और जिसमें आपका 5.6 लाख फॉर सेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और ₹1.4 लाख फॉर इनपुट कॉस्ट। इसमें जो भी आपका कल्चर कर सकते हैं, जो सुटेबल फिश है, इसमें मोनोसेक्स तिलापिया पंगेशियस के लिए है सुटेबल आपका मॉडल, और जो भी आपका है व्हाट एंड हाउ टू फीड द फिश, इसमें आप पैलेट फीड देंगे जो कमर्शियल होगा विथ 28-30% प्रोटीन, 2-4 times अ डे मैनुअल ब्रॉडकास्टिंग, पूरा अपने पॉन्ड में जो भी है फैला के आप उसको प्रोवाइड कराएंगे। डिस्क्राइब वाटर क्वालिटी टू मेंटेन, जो वाटर पैरामीटर हैं उसको आपको मेंटेन करना है, वो चाहे आप कहीं पर भी फिश फार्मिंग करें तो ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर फिश फार्मिंग। इसमें आपका टेम्परेचर 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, डिजॉल्व ऑक्सीजन 4-6 ppm, pH 7-8, एल्कलाइनिटी 120-150 ppm। इसकी भी किट्स वगैरह आपको मिलती हैं मार्केट वगैरह में और वो इस प्रोजेक्ट में भी इंक्लूड है। अमोनिया लेस देन 5.5 ppm, नाइट्राइट 0.5 ppm, नाइट्राइट लेस देन 0.5 ppm और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S nil। ऑब्जेक्टिव जो इसका है, टू एनकरेज स्मॉल स्केल फार्मर एंड वुमेन टू टेक अप फिश कल्चर इन हाउस होल्ड बैकयार्ड, कि जो भी अपना स्मॉल स्केल फार्मर है, जो छोटा फार्मर है, यूथ है, वुमेन है, वो अपने बैकयार्ड में भी इस फार्मिंग को कर सकते हैं। उससे दोनों ही चीज़ें होंगी, उनको रिच प्रोटीन भी मिल पाएगा अपने फूड के लिए और फर्दर अपनी अर्निंग को भी वो इन्हांस कर सकेंगे। जो भी इसका मॉडल वगैरह है वो सब NFDB की देखरेख में होगा। इस ट्रेनिंग में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। प्रोजेक्शन भी मोटा मोटा सा दिया हुआ है इसमें, हाउ मच इज़ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, सेटिंग अप जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करने में जाएगा अप्रॉक्स 5.6 लाख, जिसमें आपका टैंक कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पम्प, फिल्टर, केजेस, एरिएशन, वाटर टेस्टिंग किट, ये आपका अप्रॉक्स 5.6 लाख, और जो इनपुट जाएगा उसमें 1.4 लाख के अप्रॉक्स। उसमें सीड है आपका, जो फिंगरलिंग के लिए कॉस्ट दिया गया है, फीड दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोबायोटिक्स जो उसमें लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी और अदर इंक्लूडिंग सर्विस डिलीवरी, तो उसको भी उन्होंने 1.4 लाख के अप्रॉक्स लिया है।
सब्सिडाइज प्रोजेक्ट है ये आपका NFDB की तरफ से। इसमें फॉर जनरल स्टेट्स को जो मिलेगा ₹1.68 लाख जनरल कैटेगरी और ₹2.52 लाख ST, SC और वुमेन कैंडिडेट। फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट में इसमें सब्सिडाइज थोड़ा बढ़ाया है, जिसमें 2.52 लाख जनरल कैटेगरी को और 3.78 लाख ST, SC और वुमेन कैटेगरी को मिलेगा। सॉरी, इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि मॉडल डिज़ाइन दिया गया हुआ है तो इसको आप समझ सकते हैं। डिटेल फॉर सेटिंग अप द रेस यूनिट, जो टैंक की डायमेंशन आएगी आपकी, टैंक डायमेंशन दिया हुआ है 6.7 मीटर × 6.7 मीटर × 2 मीटर। वाटर वॉल्यूम ऑफ द टैंक, जो वाटर कैपेसिटी रहेगी वो 90,000 लीटर ईच रहेगा उसमें। पॉन्ड बॉटम विथ सेंट्रल स्लरी पिट, जो आपका टैंक बनेंगे वो बॉटम की तरफ बनेंगे स्लोप, जिससे आपका स्लर्स वगैरह जो भी है वो ईजिली आप रिमूव कर पाएँ। वाटर डेप्थ एट डीपेस्ट पॉइंट, जो सबसे गहराई पर होगी वो 3.3 मीटर की होगी। इफेक्टिव वाटर डेप्थ जो होगा आपका वो 2 मीटर का होगा, जो रिक्वायर्ड है आपकी कैटफिश के लिए। पंप जो लगेगा 0.5 HP का पंप लगेगा इसमें। एरिएटर वेंचुरी सिस्टम लगेंगे, 4 सिस्टम इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड में जो लगेगा 4 लगेगा। बायोफिल्टर लगेगा जो नाइट्रीफिकेशन प्रोसेस को आपका कंटिन्यू करेगा। हाउ टू कैलकुलेट फिश यील्ड एंड इनकम, जो आपकी रहेगी कल्चर पीरियड स्टैंडर्ड है कैटफिश का कि 5 to 6 मंथ्स का रहेगा। स्टॉकिंग जो है आपकी 1500 फिश पर केज, तो इस तरह से आपके 3 में 4500 फिश चला जाएगा। हार्वेस्ट साइज अगर आप 450 ग्राम का लेते हैं, एक्सपेक्टेड सर्वाइवल उसमें 80% का मान रहे हैं। टारगेट हार्वेस्ट पर यील्ड जो मान रहे हैं 1600 kg पर यूनिट पर साइकिल। क्रॉप्स पर ईयर आप 2 ले सकते हैं। मार्केट सेल प्राइस अप्रॉक्स ₹130 पर kg का आपको मिलेगा। ग्रॉस इनकम जो रहेगी पर ईयर की ₹4.6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ₹1.36 लाख। प्रॉफिट अर्निंग पर मंथ का 11,500 के आसपास। नीचे आपको पूरी डिटेल मिली है और जब आप इस ट्रेनिंग में आएंगे तो वो फर्दर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वहाँ पे। जो भी आपके कंसर्न हैं, क्वेरी हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे। और जल्दी से जल्दी आप अपनी सीट बुक कराने के लिए कमेंट करते रहें हमें, और आगे भी हमारे इस वीडियो को सर्कुलेट करते रहें। जो भी नीडी पर्सन है उसको ये मिले इन्फॉर्मेशन, और एक फ्री ट्रेनिंग को लेके और लाइव डेमो वो देखे कि मॉडल कैसे वर्क कर रहा है और कैसे वो इससे एडवांटेज ले सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, ताकि हमारा यह निःशुल्क फ्री प्रयास सब तक पहुँच सके और सब इसका फ़ायदा उठा सकें। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें ताकि हम आपको इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारियां देते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। धन्यवाद।